हमारे प्रधानमंत्री एक रत्न है। हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो स्वर्णिम राज दिया है, जो बिहार की जनता, देश की जनता को, तो वो अतुलनीय है, वो दिख रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसे छुपाने की ज़रूरत है। विपक्ष के लोगों को तो जैसे कहते हैं ना कि सूरज को आईना दिखाना, तो मैं यही बोलूँगी कि प्रधानमंत्री जी को वो आईना दिखा रहे हैं। आजकल एक उपलब्धि रही है और 40 आप बात करते हैं, हम 400 सीट निकालेंगे एनडीए लेके, 370 और 400 पार हम करेंगे और 40 सीट बिहार में निकालेंगे। तो बिहार की जनता ने कमर कस लिया है कि प्रधानमंत्री जी को बिहार से 40 सीट निकाल के देना है। एनडीए की पूरी सरकार लगी हुई है, एनडीए के सारे लोग लगे हुए हैं और आप जाके देखिए क्या माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं 1News 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता रानी चौबे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है 1News 24 पर। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, तैयारियों की बात करें तो हमारी तैयारी आज से नहीं होती है, हमारी तैयारी पूरे साल चलती है। जनता के बीच हम पूरे साल रहते हैं और हम कोई चुनावी मुद्दे और चुनावी बातों को लेकर नहीं काम करते, हम बेसिक चीज़ों पे काम करते हैं। हम जो ग्रासरूट लेवल की चीज़ें हैं, लाइक किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो इन चीज़ों, इन बिंदुओं पर काम करते हैं कि उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे वो आवास योजना की बात हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना की बात हो, तो किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, तो हम हर वर्ग की बात करते हैं और हम उस पर खरे उतरे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख से लेके बूथ स्तर से लेके जिला से लेके प्रदेश से लेके राष्ट्र स्तर तक काम करता है और पूरे साल काम करता है। तो हमें चुनाव में काम सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे साल हम काम करते हैं। एक स्लोगन लिखा गया है जैसे कि अब की बार 40 हमार मोदी संग हमारा बिहार, क्या वाकई इस बार 40 आने वाला है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक रत्न है। हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो स्वर्णिम राज दिया है, जो बिहार की जनता, देश की जनता को, तो वो अतुलनीय है, वो दिख रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसे छुपाने की ज़रूरत है। विपक्ष के लोगों को तो जैसे कहते हैं ना कि सूरज को आईना दिखाना, तो मैं यही बोलूँगी कि प्रधानमंत्री जी को वो आईना दिखा रहे हैं आजकल। तो मैं एक ही बात पे, बस विषय पे बात करना चाहूँगी कि उनका काम बोलता है। प्रधानमंत्री अगर 40 की 40 सीट बोल रहे हैं तो वो काम के थ्रू बोल रहे हैं। 10 साल की जो स्वर्णिम काल रहा हमारा और आगे भी जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं पूरे बिहार और पूरे देश में, तो अपने आप में एक उपलब्धि रही है। और 40 आप बात करते हैं, हम 400 सीट निकालेंगे एनडीए लेके, 370 और 400 पार हम करेंगे और 40 सीट बिहार में निकालेंगे। अभी कुछ देर पहले आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शर्मा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में 100% मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में लोकसभा की सीटें दी थी, हम लोगों को मलाल रह गया कि 39 ही सीट 2019 में दे पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग 40 सीट देंगे। देखिए, बिल्कुल आदरणीय शर्मा सेन जी ने बिल्कुल सही कहा और उनकी उनके कहने पे मैं ये भी बात उनको पुष्टिकरण करती हूँ कि बिहार की जनता, मैं बिहार की अभी बात करूँगी क्योंकि मैं बिहार में हूँ अभी, तो बिहार की जनता ने कमर कस लिया है कि प्रधानमंत्री जी को बिहार से 40 सीट निकाल के देना है। एनडीए की पूरी सरकार लगी हुई है, एनडीए के सारे लोग लगे हुए हैं और आप जाके देखिए क्या माहौल है, क्या माहौल है। हमें, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें घमंड होता है कि हमारे वो प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ही आएगा, इस बार तो मोदी ही आएगा। अब तो बात आपकी हुई, भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में लालू प्रसाद यादव की दोनों पुत्री लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, जिस तरह से उनकी पुत्रियों को चुनाव में लाया गया है, ये प्लानिंग थी। और आप उठा के देख लीजिए कि किडनी देने से लेके जो अभी तक का सफ़र है, कहीं ना कहीं जनता समझ रही है, किडनी भी दिया गया तो विदेश जाके दिया गया, आप समझिए इसकी पुष्टि क्या है। और आप मेडिकल फॉर्म में अगर देख लीजिए कि कोई भी अगर लड़की या लड़का या कोई भी इंसान किडनी देता है, तो किडनी देने के बाद एक इन्फेक्शन से उसे बचना होता है, पब्लिक मूवमेंट गैदरिंग में उसे नहीं जाना होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि लालू प्रसाद जी की सिर्फ बेटियां ही क्या सक्षम हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? क्या यादव परिवार में, क्या पूरे समाज में, क्या बिहार में, राजद में ऐसी कोई भी युक्ति नहीं थी जिसको उस तरीके से उभारा जाए? तो अपनी बच्ची को इतने संकट में डाल के ये इस तरह का चुनाव लड़ाना भी अपने आप में मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली क्या है कि ये लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं यादवों की, यादवों को बढ़ाने के नाम पर जीरो करते हैं ये लोग।
तो मुझे लगता है कि इन विषयों पे बात नहीं, पूरी जनता समझ रही है चीज़ों को कि आगे क्या करना है और कितने वोटों से इनको नवाजना है। कई बाहुबलियों की पत्नी को टिकट दिया गया, यहाँ तक कि जो 17 साल जेल रहे अशोक महतो की बात करें, पहले उनके शादी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आप शादी कर लें तो हम आपको टिकट मुंगेर से पक्की, तो पहले 55 वर्ष की उम्र में शादी किया टिकट के लिए, उन्हें टिकट मिला। कई बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है राजद की ओर से। देखिए 90 का दशक आज भी भूलता नहीं है बिहार, आज भी गौतम शिल्पी कांड हो या बहुत सारी ऐसे श्वेता विश्वास एंड ऑल जो कांड हुआ था, जो आईएएस की बीवी को जो जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, शिल्पी जो बच्ची जिसको दहला दिया गया उस बहुत गंदे तरीके से, उसकी अश्लील मतलब उसे नग्न करके रखा गया गाड़ी में और गौतम की हत्या हुई, तो ये सब चीज़ें 90 का दशक अब बिहार नहीं अपनाएगा। अब समय आ गया है जब प्रधानमंत्री का यह बिहार होगा, एनडीए की सरकार की बिहार होगी, नीतीश कुमार का सरकार होगा, और कहीं ना कहीं हम एक ही बात बोलेंगे कि अब जो गठबंधन आया है हमारा, एनडीए की जो सरकार आई है नीतीश कुमार और बीजेपी की और जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, तो अपने आप में यह एक बैलेंस बनता है। आप उठा के देख लीजिए कि जब जब एनडीए की सरकार आई है बिहार उत्थान पे गया है, चाहे वो मेट्रो की बात कर ले, चाहे वो कोई भी योजना की बात कर ले, बिहार बहुत आगे बढ़ा है और सुरक्षित महसूस करती हैं बेटियां। हम बेटियां जब रोड पे चलते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता, हमें ये डर नहीं होता, हमें पता होता है कि हमारी बेटियां जब स्कूल जा रही हैं, हम महिलाएं जब आगे बढ़ रहे हैं पैदल उस रोड पे, तो हम सुरक्षित हैं। और कहीं ना कहीं राजद की सरकार जब जब आई है एक रेशियो बहुत गंदे तरीके से बढ़ा है और इन चीज़ों पर कभी भी विराम नहीं लगा है, और उनके अपने रिलेटिव्स ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, तो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरह की बलात्कार, जिस तरह की वारदात को उन्होंने मुंह बंद कर लिया था 90 के दशक में, तो ये अपने आप में पूरी जनता जान रही है, और इस बार बिहार की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी रैलियां और घूमने से नहीं होता है, काम करने से होता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ने किया है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रानी चौबे को, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो है अब की बार 40 जो है प्रधानमंत्री मोदी के झोली में देंगे और केंद्र में 400 की पार, यानी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 90 के दशक में जो बिहार की स्थिति थी बिहार की जनता समझ चुकी है, अब उस दौर में नहीं जाना चाहती है, तो बिहार में एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी और केंद्र में मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी।